दाहोद जिला धानपुर तालुका के नवानगर पीएचसी में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। दाहोद जिला धानपुर तालुका के नवानगर में नए बनाए गए पीएचसी अस्पताल में एक महिला को प्रसूति पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए ले जाया गया था। पीएचसी के डॉक्टर द्वारा प्रसूति के वक्त बच्चे का हाथ खींच लेने पर बच्चा फंस गया था, जिसे डॉक्टर ने तुरंत ही महिला को 108 से निजी अस्पताल में भेज दिया था। बच्चे का हाथ बाहर खींची हुई हालत में ही महिला को निजी अस्पताल लाया गया था। वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया था। यह घटना के बाद पूरा पीएचसी का स्टाफ फरार हो चुका था। परिवारजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया था। पीएचसी अस्पताल को खुले सिर्फ 1.5 साल हुआ है और अभी तक यहाँ पर कोई तालीमबद्ध डॉक्टर नहीं रखा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल को बिना उद्घाटन किए ही शुरू कर दिया गया है। ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग परिजनों ने की है। आज चौकरन साहब दवा खाने ले गया हमें, तो आ डॉक्टर के दुखे सुहावरण करावे आप एम करी कर रह जवाड़ी पी आ डॉक्टर एवं करू के बालक नहीं आयो तीन पेट को हाथ नाखी ने छोकरा नो हाथ पकड़ी ने खींची, तो पची डॉक्टर घबरायो के ने घबराई ने पची हमने मोकली आप के 108 ले जाए लावी नहीं तो मोकली आप हेऊ मैंने हमन के दो तो आती तो बालक नो हाथ आवी गयो ने पची मोकली आप पची हम यहीं लाया तो साहब हमन सीजर करी आप छोकरो ऑफ थाई लो, तो हमारी छोकरी नहीं लाता तो ऑफ थाई जाती है। तुम्हारो नाम? सुमित्रा। तुम्हें छोरी ना कौन लागो? हाबी लागू छु। મારી છોકરી હતી તો નવાનગર દવા ખાડી લીધા, તો એના હાથ ખીસ્યો કે છોકરી આવી તો મા મને બસાવો, અને અહીંથી મારી હાલત સારી નથી ને ઉપર લેવડાયો, મને સારું ખરું ને હાથ ખીસી ને આવો લેવડાયો ને કાઢી દીધો ડોક્ટરે, પછી ગભરાણ થઈ ગયો નવાનગર, ગભરાણ થયા પછી અહીં લાયા. તમારો છોકરો કઈ છે? છોકરો ઓફ થઈ ગયો, કાઢ્યો અહીં તો કાઢ્યો. હા છોકરી પાણી પડી ગયું ને બધું દસિયા ઉતરી ગયા.